All right, so what's up guys, welcome back to my channel. This is Chiranjeevi and I hope you guys are smiling. If yes, then keep smiling. If no, then start smiling. Well, सामने आपको दिख ही रहा होगा कि क्या है फिलहाल, राइट? ये है निंजा 650. वेल, तो इसका 2023 वर्जन, इसमें और इसमें कोई चेंजेस तो है नहीं ऐसे, क्योंकि सिर्फ ग्राफिक्स के चेंजेस है, दो मैं आपको अभी बता दूंगा. ये रहे उसके सिनेमैटिक्स थोड़े से. तो 2023 में और 21 है या 20 है, तो इसमें और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग रिव्यू इस पे आराम से कर सकते हैं. सो ये है 650 सीसी पैरेलल ट्विन जो प्रोड्यूस करता है 68 हॉर्स पावर्स एंड 64 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. दिखने में तो काफ़ी कूल है और अभी 2023 वाला वर्जन तो और भी अच्छा दिखता है. ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड भी है 650, क्योंकि इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी मैंने सुना है बहुत अच्छा है. लेकिन ये होगा मेरा फर्स्ट टाइम मैं इसको चलाने वाला हूँ, मैंने इसके पहले इसको कभी चलाया नहीं हूँ. तो देखो, आगे का टायर इसका आता है 120 mm का, पीछे का टायर है 160 mm का. तो ये ऐसी कुछ दिखती है दोनों साइड से. अभी जो आ गई है वो काफ़ी सॉर्टेड और भी स्मार्ट दिखती है, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ कलर्स में चेंजेस है, तो बाकी सब तो सही है. देखो, पीछे का सीट आगे का सीट दोनों भी काफ़ी सॉर्टेड है, इसमें पकड़ने के लिए भी अच्छे से दिया हुआ है, बैठने के बाद भी काफ़ी अच्छी लग रही है, इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ज़्यादा कमिटेड नहीं लग रही है, थोड़ी सी अपराइट है. तो अगर आपको कमिटेड पोस्चर चाहिए, लाइक यहाँ पर हैंडल ऐसा कुछ चाहिए, तो ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है तुम्हारे लिए, लेकिन अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी नाइस मोटरसाइकिल. इसमें जो लीवर्स आते हैं ये भी 5 स्टेजेस ऑफ एडजस्टेबल लीवर्स है, अपने राइडिंग स्टाइल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो. क्वालिटी वाइज भी काफ़ी सही लग रहा है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे. और ऑन कर रहे हैं तो कंसोल कुछ पूरा का पूरा TFT दिया हुआ है. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है बट राइडिंग मोड्स नहीं है, विच इज़ क्वाइट ओके. और मिरर विरर भी काफ़ी, चलो सब सही है. तो अभी क्या करते हैं हम लोग, बाकी की बातें अभी गाड़ी हम लोग चलाते चलाते करेंगे. ओके, तो दिस इज़ हाउ इट साउंड्स. तो वीडियो चालू करने के पहले आई वुड रियली लाइक टू थैंक एंजन कावासाकी एंड माई डियर फ्रेंड विकेश, जिसने मुझे फिर से एक मोटरसाइकिल अवेलेबल करा के दी फॉर रिव्यू पर्पसेस. तो थैंक यू सो मच. तो पिकअप तो बहुत अच्छा लगा मुझे, फट से निकल गई, क्योंकि मैंने 650 सीसी के हिसाब से इसको वैसा एक्सपेक्ट किया तो नहीं था पिकअप के लिए, बट अच्छा पिकअप है, विच इज़ अ गुड थिंग. तो चलो फिर अभी हम लोग चला के इसको चेक करते हैं. राइट, और राइडिंग पोस्चर के हिसाब से ना आप इसको और कंफर्टेबली चला भी पाओगे, ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे आपको. देखो बहुत रिस्पॉन्सिव है, मेरे को तो इसका थ्रॉटल बहुत रिस्पॉन्सिव लग रहा है. अगर मैं इसको होंडा 650 से कंपेयर करूं, जो अपनी CBR 650 है, तो इसके हिसाब से देखो पावर वाइज ये कम है, लेकिन इसका इनिशियल थ्रॉटल रिस्पांस जो है तो होंडा में कम है. लेकिन उसमें एडवांटेज क्या है कि उसमें जब भी आपका RPM अराउंड 5000-6000 क्रॉस करता है तो वो मशीन कुछ अलग ही बन जाती है, और इनिशियल रिस्पॉन्स थोड़ा सा उसमें अलग है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा है. तो आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसमें एज़ कम्पेयर टू CBR बहुत अच्छा लगेगा. ब्रेक्स भी बहुत सही है, देखो बहुत रिस्पॉन्सिव है ब्रेक्स, और अच्छा है यार. इसमें अभी जो टायर्स भी जो दिए हैं वो है डनलॉप के रोड स्पोर्ट्स 2, मेरी Z900 जो है उसमें भी डनलॉप के ही टायर्स है, लेकिन उसका थोड़ा सा मतलब इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे ग्रिप, क्योंकि वो, अगर आपने मेरा डिसएडवांटेजेस वाला वीडियो देखा रहेगा तो उसमें भी मैंने बोला हुआ है कि अपनी 900 के डिसएडवांटेजेस, उसके टायर जो है वो थोड़े ग्रिप उसका मिस होता है, मतलब इट इज़ नॉट वेरी ग्रिपी, वो उसके ग्रिप्स छोड़ देता है. तो दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी.
लेकिन इसमें भी डनलॉप है, लेकिन इसमें अभी देखो मैं फट से तो नहीं बता सकता हूँ कि कैसा है क्या है। अभी तक तो मुझे टायर ग्रिप्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्टर्डी लग रही है मोटरसाइकिल, बिल्कुल भी ऐसी डिसबैलेंस नहीं हो रही है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे फ़िलहाल, और चलाने के टाइम पे कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आ रहा है। देखो ये नाउ आई एम राइडिंग इन टू ट्रैफिक, तो ट्रैफिक का भी देखो मुझे हमेशा ट्रैफिक मिल जाता है यार जब भी मैं रिव्यू करता हूँ, बट ठीक है। देखो ट्रैफिक में भी मुझे ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी तो हैंडल बार पॉस्चर जो है उसकी वजह से आपका सिटिंग पॉस्चर चेंज हो जाता है, तो इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल टू राइड दिस मोटरसाइकिल, इतना ज़्यादा इशू नहीं हो रहा था मुझे। यू नो देर आर सम प्रॉब्लम्स विच आई एम फेसिंग, जो है इसमें ना वाइब्रेशन काफ़ी लग रहा है मुझे यार इन ऑल द गियर्स। ओके, तो अभी हम लोग चला तो रहे हैं बट ट्रैफिक मुझे मिल रहा है, बट देखो मुझे तो समझ में आ गई है मोटरसाइकिल की कैसी है, काफ़ी सही है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो कुछ है नहीं, और चलाने के टाइम पे जैसे मैंने बोला था कॉन्फिडेंस भी बहुत आ रहा है क्योंकि टायर्स काफ़ी अच्छे ग्रिप पकड़ के चल रहे हैं, और इसमें मोड्स नहीं है, राइडिंग मोड्स नहीं है कोई भी, डुअल चैनल ABS डेफिनेटली है, स्लिपर असिस्ट क्लच है, तो तुम्हारा डाउन शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ होने वाला है, तो प्लस पॉइंट फॉर ऑल दोज थिंग्स। टॉर्क अच्छा है, BHP भी सही है, लो RPM पर ही इसका BHP मिल रहा है जो बहुत रिस्पॉन्सिव है, ये देखो। तो मैंने जैसे मैंने बोला द मोटरसाइकिल इज़ नाइस, नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो वाइब्रेशन एक लगा मुझे, सेकेंड थिंग मुझे जो लगा वो है इसका हाइट, मतलब मुझे मेरे हाइट के हिसाब से लग रहा है कि गाड़ी थोड़ी शॉर्टेड है, मतलब गाड़ी थोड़ी शॉर्ट है तो मेरे पैर ज़्यादा फोल्ड हो रहे हैं जब मैं बैठ रहा हूँ, बट एक्चुअली वो कॉर्नर ऑनर के हिसाब से काफ़ी सही है क्योंकि देखो यहाँ पर है बराबर, ये कट पे बैठ रहा है तो हम लोग कॉर्नर्स के टाइम पे बराबर कर सकते हैं, तो आई थिंक मुझे शायद आदत नहीं है इतनी छोटी गाड़ी चलाने के लिए, तो उसके वजह से मुझे शायद ऐसा फील हो रहा होगा, नहीं तो शी इज़ प्रीटी वेल। ओके, सो अगर मेरी हाइट आपको जाननी है तो आई एम 5 feet 10 inches, तो मेरे हाइट के हिसाब से ऐसा हो रहा है, देखो मेरे पैर काफ़ी हद तक आराम से मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो नो इश्यूज एट ऑल। तो अभी देखो ट्रैफिक पे खड़े ही है तो हम लोग बात भी कर लेते हैं कि कंसोल में, तो आपको मालूम ही है मेरा सेम मेरा जो 900 का कंसोल है वही कंसोल मिल रहा है इसमें, खाली कुछ फीचर्स कम है और बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट द मीटर का पोजीशन भी इतना अच्छा है कि इट इज़ क्वाइट नाइसली विजिबल ऑल द टाइम, तो उसमें आपको इंजन टेम्परेचर मिल जाएगा, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल मीटर, गेयर इंडिकेटर, गेयर शिफ्ट इंडिकेटर, ऑन रोड प्राइस भी अभी अपने स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा तो आप देख लो 650 cc, क्योंकि अगर आप किसके सेगमेंट्स देखोगे, अगर आप होंडा में जाओगे, देखो होंडा की 650 इज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है बिकॉज दैट इज़ 4 cylinders एंड दिस इज़ 2 cylinders, और उसमें 80 horsepower है और इसमें 68 horsepower है, बट एक्चुअली अगर प्राइस के हिसाब से आप देखोगे तो शी इज़ लिटल चीपर, नॉट लिटल एक्चुअली, 2-3 lakh का फ़र्क आपको पड़ जाएगा, तो दैट इज़ क्वाइट नाइस। तो देखो क्या बहुत अच्छा है थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका, क्या है ना जब ब्रेक्स अगर अच्छे होते ना तो आपको चलाने के लिए ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, क्लच भी लाइट है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो प्लस पॉइंट ऑन दैट ऑल्सो। इसके कॉम्पिटिशन में आ जाएगी आपकी ट्राइडेंट CVR 650R, फिर अपनी GT, ये सारे इसके कॉम्पिटिशन्स में आ जाएंगे, तो GT तो देखो वो तो काफ़ी सस्ती है, तो अगर GT आप कंसिडर कर रहे हो इसके सामने तो मैं तो डेफिनेटली GT बोलूँगा क्योंकि प्राइस के हिसाब से शी विल बी वेरी लाइट ऑन योर पॉकेट। अगर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बात करोगे तो ऑफकोर्स निंजा 650 इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज इसमें हॉर्स पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है जो उसमें नहीं है, इसमें आपको TFT मिल जाएगा जो उसमें नहीं है, इसके टायर्स 160mm के है उसके 130mm के है, ये लाइट वेट है वो थोड़ी हैवी है तो पावर टू वेट रेशो भी इसका अच्छा हो जाएगा। तो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो निंजा 650 इज़ 100 times बेटर दैन GT 650।
सो हाई स्पीड्स पे भी आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी निंजा 650। और इसी को अगर हम लोग ट्राइडेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ट्राइडेंट को एक्चुअली मैंने चलाया नहीं अभी तक, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ट्राइडेंट को भी चला के आपको बता दूंगा कि विच इज़ बेटर दिस और द ट्राइडेंट। एंड 650 CBR 650 की बात करेंगे तो आई विल चूज़ CBR 650R ओवर निंजा 650 बिकॉज आई विल गेट 4 cylinders, आई विल गेट बेटर परफॉर्मेंस, बेटर टायर्स एंड होंडा, सो आई विल चूज होंडा 650 ओवर दिस बिकॉज मैंने वो चलाया है तो आई कैन कंपेयर एंड आई कैन टेल यू विच इज़ बेटर। सो ओवरऑल दिस इज़ माई वर्डिक्ट, बजट के हिसाब से 650cc दिस इज़ अ गुड मोटरसाइकिल, आपको इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। पॉस्चर वॉस्चर भी बहुत अच्छा है और इसको हक करने के लिए बहुत ईजी होता है क्योंकि आपके पैर आपके टैंक के पास एकदम ईजिली पहुँच जाते हैं, तो यू कैन होल्ड द मोटरसाइकिल एंड हग इट प्रॉपरली एंड नाइसली यू कैन एंटर इन टू द कॉर्नर्स एंड एग्जिट आउट ऑफ द कॉर्नर्स। दैट वॉज द रिव्यू फ्रॉम माई साइड फॉर दिस निंजा 650। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर हेलमेट्स एंड यू नो व्हाट टू डू राइट, फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, टिल देन बाय बाय।